कि गाड़ी थोड़ी सी भाई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ठुक गई भाई, लग गई है। ये देखो ये आ गया भाई, लहसुन पानी आ चुका है, मटकों से पानी भरा जाएगा। उसके बाद मैं तो चली मटका ले। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दोबारा स्वागत है तुम्हारे नए व्लॉग में। तो मैं हूं अतुल सिंह और आज अगला दिन और मम्मी मेरे साथ है, यहाँ पे सैयम भी मेरे साथ है। तो आज मैं और मम्मी हम जा रहे हैं अपने फ्लैट में खरड़ की तरफ, क्योंकि हमने वहां पे रेंट आउट करना था। तो चलते करते आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस पहुंच गए हम खरड़, और गाइस आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कितनी स्वेलिंग हो रखी है, पहले काफी ज्यादा हो रखी थी, अब तो काफी ठीक हो गई है। तो आते ही मम्मी ने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई तूफान आया था ना जो 2-3 दिन, तुम्हें पता ही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी। धूल देखो भाई, ये देखो कहाँ तक धूल आ रखी है, इतनी मिट्टी हो रखी है ना। तुम्हारी कार तो वहां पे खड़ी है, और एक कार के साथ भी एक चीज हो गई थी कल, वो तुम्हें ना दिखाऊंगा जब जाएंगे ना बाद में, तब दिखाऊंगा कार के साथ क्या हुआ। अभी मम्मी कह रही ऊपर टैंकी देख के, टैंकी में पानी भर रहा है कि नहीं। टैंकी में पानी भरे ना भरे, पर ऑलराउंडर बॉय है सर, मशहूर जरूर होगा। गाइस किसी ने हमारी टैंकी के ऊपर से ढक्कन ही उठा के अपनी टैंकी पे लगा लिया, पता नहीं किसी ने लगाया होगा। पानी तो भर रहा है, पानी तो भर रहा है। ऊपर से देखो क्या मस्त व्यू है भाई, वो देखो उधर फ्लैट नहीं, वहाँ टैंकी खा लग रहा है, टैंकियाँ ही टैंकियाँ चारों तरफ भाई। सो गाइस झाड़ू पोछे बज रहे हैं, वाइपर लग रहा है, पूरा घर साफ कर दिया, ठीक है। और अभी हमारे जो किराएदार थे उन्होंने भी घर देखना था, तो उन्होंने देख लिया, वो डिसीजन करके बताएंगे। और गाइस देखो मटके भरे जा रहे हैं, मटकों से पानी भरा जाएगा, उसके बाद मैं तो चली मटका ले। तो यहाँ से डाला जाएगा और मम्मी वहाँ से पोछा लगाएगी। देख रहे हो इस वाले रूम को भी पहले पूरा साफ करा, ठीक है। पीछे भी इतनी धूल हो रखी थी ना भाई, पीछे पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है। उस वाले घर को तो हम इतना साफ रखते हैं, यहाँ हमारा टाइम नहीं लगता आने का। तो जब मैं आता हूँ, मैं तो कई बार बहुत बार आ भी जाता हूँ, बट मैं झाड़ू पोछा नहीं करता यहाँ पे आके, तो पता ही है ना मम्मी सब करती हैं। ये भी साफ हो गया एकदम, अब तो चमक गया, पूरा लहरा दिया मम्मी ने, साफ बना दिया घर को। बस कर लो, पूरी रोड लहराऊंगी घर। सो गाइस हम निकल रहे हैं भाई घर की तरफ, लगा लिया झाड़ू पोछा 50 किलोमीटर दूर आकर भाई। सो गाइस ये है अगला दिन भाई, कल हम आ गए थे भाई खरड़ से घर, और आपको मैं बता रहा था जैसे कि गाड़ी के साथ क्या हुआ था, कि गाड़ी थोड़ी सी भाई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ठुक गई भाई, लग गई है साइड से, ठीक है। किसी ने नहीं मारी, मतलब कि रोड पर ही थी और यू टर्न ले रहा था, और साइड पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा पत्थर था जो एकदम से पता नहीं क्या हुआ। और ये देखो पूरी गाड़ी, ये देखो यहाँ से, अब ये 7 दिन के लिए अभी एजेंसी में खड़ी होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मम्मी और मैं बाजार जा रहे हैं, चलते हैं। तो 7 दिन गाड़ी के बिना इतने धूप में बाइक में घूमना पड़ेगा भाई। और गाइज आज आप देख सकते हो मेरा जो लिप्स है ना, काफ़ी हद तक भाई ठीक हो गया है, वरना तो भाई जो 2-3 दिन थे ना, इतने ज़्यादा पेन, मतलब कि इतना ज़्यादा दर्द था इसके अंदर, और ये पता नहीं यहाँ से स्वेलिंग हुई, इन्फेक्शन, तभी भाई छोटा सा भी पिंपल होना तो भाई ध्यान रखना स्टार्ट कर दो भाई। 2-3 दिन तो बहुत मुश्किल हो गई थी, और शॉर्ट्स का बैकअप भी नहीं था, और फिर भी मैंने मास्क लगा के वीडियो बनाई थी, मुंह बड़ा दर्द हो रहा था, पर काम तो करना ही है ना। सो गाइज मम्मी ना काफ़ी दिन से एक शॉप पे जा रही, मम्मी ने कुछ सामान लेना, और वो हमेशा ही नहीं खुली रहती। क्योंकि आजकल भाई जून है तो छुट्टियाँ, भाई वो भी इंजॉय करने गया होगा। तो फिलहाल अभी सैयम आ गया है, ठीक है, और अभी मैंने और सैयम जाएंगे एजेंसी, मैं गाड़ी में जाऊँगा, मेरे बाइक पर जाएगा, तो आते वक्त वहाँ से मैं गाड़ी छोड़ के बाइक में आऊँगा। और एजेंसी वाले कह रहे हैं कि भाई 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, अभी देखते हैं, क्या पता जल्दी कर दें। तो चले फिर मम्मी घर की तरफ, घर चलते हैं, फिर गाड़ी को 7 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा यार, इतनी गर्मी में मैं बाइक पे कैसे घूमूंगा। अभी सारा गाड़ी से सामान वामान निकाल के रख दिया, देखो मैंने ना 3 ट्राइपॉड तोड़ दिए अभी तक, मतलब 3 साल हो गए यूट्यूब को मुझे करते करते, तो 3 ट्राइपॉड, 1 साल में 1 ट्राइपॉड टूटता है। और ये हमारे कुछ पैम्पलेट्स भी बचे हुए हैं, लगा देंगे इनको कभी ना कभी। और ये यूट्यूब की टी शर्ट्स अभी हैं, ये मेरे पास 3 यहाँ पड़ी हैं, 4-5 मेरे बेड में पड़ी होंगी, ठीक है यार। आज वो बच्चे को भी देनी है, उसके लिए भी रख ही लेता हूँ, याद आ गया उसको भी आज दूंगा। तो गाइस अभी सैयम बाइक लेके आएगा, ठीक है, और मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, गाड़ी की एक बार हालत दिखाऊं तुम्हें, कराना तो इस साइड से भी था काम, बट वो कह रहे भी पहले 1 साइड से ही होगा काम, तो देखते हैं क्या पता दोनों साइड से कर ही दें। देख रहे हो दरवाजा भी जब लग रहा है, पता कैसे लग रहा है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, दरवाजा भी लगते टाइम इतनी आवाज़ कर रहा है ना, देखो ये खुला, अब देखना ट्रक ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्या। चल भाई मैंने इसे बोला ध्यान से चलाना, कहता भाई मैं कहा पैर लग रहे हैं, कहता यार हवाई जहाज चलाते हुए पैर लगते हैं, इसके जवाब उल्टे ही होते हैं। अरे चलो यार चले एजेंसी, ध्यान से आना भाई। भाई आप तो यूट्यूबर नहीं हो गया? या, 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 या,
क्या बात है भाई, थैंक यू बिग फैन, थैंक यू। सुबह अभी एजेंसी पहुंच चुके हैं, ठीक है, और हमने अभी कार अपनी खड़ा दी है। अभी देखते हैं कुछ पेपर वर्क वगैरह होगा और फिर देखते हैं कितने दिन का टाइम होगा। तो तेरे हिसाब से क्या लगता है, तुझे कितने दिन लगेंगे? यार हफ्ता 10 दिन का है, क्योंकि ये ज्यादा मेजर और खड़े यहाँ पे, क्रैक ज्यादा डेंट पड़ गया। छोटा होता तो मैं बाहर से करा लेता, बट ये थोड़ा मेजर है। लो भाई गाड़ी खड़ा दी, अब हम जा रहे हैं अपने बाइक पे सीधा घर की तरफ। अब मिलते हैं गाड़ी को 1 हफ्ते बाद, 7 दिन तक ये हमें सैर कराएगा। तो भाई अभी भाई छबील पीने के लिए रुके हैं, ठीक है, और छबील आगे देखो, ठंडी ठंडी छबील लगा रखी है। भाई गर्मी में जितना पानी पीना उतना ही बढ़िया हेल्थ के लिए, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठंडी छबील पीते हैं बराबर। इसमें भी फ्यूल अप करा दिया है, 540 का फुल हो ही गया ऑलमोस्ट। तो भाई अभी हमने ना थोड़ा पतंगों का स्टॉक ले लिया, क्योंकि हमारे पास खत्म हो गए थे, और वीडियोस तुम्हें पता ही है, शॉर्ट वीडियोस सारी है ना, तो अभी मिल गया। फिलहाल भाई मिल नहीं रहा शहर में, काइट्स बहुत मुश्किल से मिल ही गया। आखिरकार इसका टेम्परेचर देखो कितना हाई हो गया, 44 डिग्री सेल्सियस, और बाइक का AC अभी ऑन हो जाएगा, देखना जैसे ऑन करूँगा। गर्म गर्मी हो गई दिखा रहा है। सैयम को तो छोड़ के आ गया, ठीक है, अब दोपहर का टाइम है, तो भाई मैंने कुलचे छोले पैक करवा रहा हूँ, क्योंकि स्वाद यही होते कुलचे छोले, अब घर जाकर आराम से खाऊंगा, देखो पैक हो रहे हैं। सो गाइस अभी मैं घर पहुँच गया, घर आके देखा तो यहाँ पे भाई एग रोल बन रहे हैं भाई, जिंदगी में पहली बार मम्मी बना रही है, क्या बात है। तो मुझे तो लगा भाई ये कहीं मजाक कर रहे हैं, कहीं ये एग की भुर्जी बना देंगे, बट यहाँ तो बहुत ही सारा अंडे वंडे फोड़ फोड़ के 4 किलोमीटर दूर फेंके हैं। और देखो गाइस, और ये देखो ये आ गया भाई, लहसुन पानी आ चुका है, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है, कितने रुपए का एक भाई? 50 रुपए का। और ये डाल दिया शेजवान चिंग चाइनीज चटनी, वो तो डालो खून पसीना तो डालो, 2-4 बूंदे, 50 रुपए। और ये हो गया भाई फोल्ड, और ये रोल बन गया हमारा रेडी। ओके ओके ओके, लो गाइस खा लो आप भी। क्या बात है गाइस, टेस्ट करके देखे क्या, दिखाओ मैडम टेस्ट करके दिखाओ, पैकिंग करके दे दो मैडम, सस्ते में कर रही हो आप तो, बड़ा पाव वाली बनने जा रही हो। ये मैडम करेगी रोल, मैं करता हूँ। वो गिरा दिया भाई इसको, यार लजीज हो रहा है सच में, ये देख नीचे से पकड़, लजीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अबे सच में हो रहा है सच्ची। अब से तो बाहर का खर्चा बच गया भाई। तो भाई अभी भाई 6:30 बज चुके हैं शाम के, ठीक है, और अभी मैं घर से आ गया था, ठीक है, और अभी हम वीडियोस बना रहे हैं पतंग वाली। तो यहाँ पे देखो हमारे साथ बच्चे भी आ गए थे, अभी हमने थोड़ी सी 5-6 वीडियो बनाई है, एक दिन में मैं कम से कम 7-8 वीडियो हम बनाते हैं, कई बार 10-15 भी बना लेते हैं। तो इस साइड ये है कि ना बिल्डिंगों के इस साइड आके धूप ना कम हो जाती है, छाँव हो जाती है, तो यहाँ पार्क में बनाते हैं वीडियोस काफ़ी। आप बच्चे हमारे जो देखते हैं शॉर्ट वीडियोस काइट वाली, सारी यहीं बनाते हैं, विंड सीजन में भी हम काइट की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे काइट लवर्स हैं यहाँ से। भाई जस्ट अभी शूट कंप्लीट करके आए हैं, और भाई अभी आ गए सीधा गूल कदीरा पीने के लिए, क्योंकि भाई गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, पतंग भी साथ में, और मैं पतंग ना सीएम के घर ही रख दूंगा, क्योंकि इसको सीधा पिक करूंगा और साथ में ले आया करूंगा, क्योंकि भाई देखो गाड़ी में तो सामान आया, अब गाड़ी रिपेयरिंग के लिए, एक गाड़ी के बिना भी भाई बहुत दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ना। अभी गोंद कतीरा बन रहा है वो पीते हैं। तो गाइस ये आ गया हमारा गोंद कतीरा, और सैयम का भी आ गया, ठीक है, गोंद की तरह इंजॉय कर रहे हैं, पेट के लिए भी सही है और साथ में ठंडक भी बनाए रखते हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गया, ठीक है, और भाई कार का तो तुम्हें पता ही, अब 10-15 दिन बाद ही मिलेगी कार, ठीक है, और भाई मैं क्रिएटर मीटअप पे गया था, जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा वो जरूर देखना भाई, बहुत अच्छा लगा, इतने क्रिएटर्स आए भाई, इतनी चीज़ें, मतलब कि होता है ना कि एक मतलब कि चांस मिलना बड़ी मुश्किल से, मतलब काफ़ी लोग यार यूट्यूब तो हर लोग कर रहे हैं, बट चांस है वो जो मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी या कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से आपको बुलाया जाता है, तो हमारे अंदर थी तो हमें बुलाया। तो एक बार फिर से YouTube का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और गाइज अब मैं धीरे धीरे, मेरा हो ही गया है सारा फेस यहाँ पे, ठीक है, तो भाई अब मैं ठीक हूँ, ब्लॉग्स और शॉर्ट्स प्रॉपर आएंगे, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग्स अच्छे रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बेल वाले आइकन को ऑल पर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।